चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सर इनकम फ्रॉम बिजनेस गाइड देख रहे थे आप लोग, और इनकम फ्रॉम बिजनेस में जो हमारे पास कॉन्सेप्चुअल प्रोविजंस हमने कवर करने थे टैक्स लॉस के, वो हमने मेजॉरिटी अपनी प्रोविजंस कवर कर लिए थे। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह देखे थे, और हमने लास्ट क्लास में इनकम फ्रॉम बिजनेस के पास पेपर्स के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 4 स्प्रिंग 2011 की अटेम्प्ट का सवाल है, 15 मार्क्स इसकी वेटेज है, कैरेट लिमिटेड। भैया मैं स्प्रिंग 2011 की अटेम्प्ट का सवाल है, 15 मार्क्स इसकी वेटेज है, क्वेश्चन नंबर 4 कैरेट लिमिटेड के नाम से रीड करता हूं, इसे सॉल्व करता है। कहता है कैरेट लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट एंड सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस फॉर द पास्ट 20 ईयर्स। When reviewing the company's tax provision, you notice the following amounts appearing in the tax calculation for the year ended 30 June 2000 X. एक कंपनी है कैरेट लिमिटेड के नाम से जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट और सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में एंगेज्ड है। जब आपने इसकी टैक्स की वर्किंग को रिव्यू किया तो आपकी इन्फॉर्मेशन में, आपकी नॉलेज में ये सारी बातें आ रही हैं। रिक्वायरमेंट में हमें कहता है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डिस्कस द एडमिसिबिलिटी ऑफ अबव अमाउंट फॉर टैक्स पर्पसेस। रिक्वायरमेंट में हमसे कहता है सर अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डिस्कस द एडमिसिबिलिटी ऑफ द अबव अमाउंट फॉर टैक्स पर्पसेस। हमारे पास कुछ 6 एक्सपेंसेस के हवाले से इन्फॉर्मेशन दी गई, और हमें ये डिस्कस करना है कि इसमें से कौन कौन से एक्सपेंस हमें अलाउ होंगे, कौन कौन से एक्सपेंस अलाउ नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 1 में कहता है प्रॉफिट ऑन डेट ऑफ ₹5 लाख पेड ऑन अ वर्किंग कैपिटल लोन ऑब्टेन फ्रॉम अ फॉरेन बैंक, द कंपनी डिड नॉट डिडक्ट विदहोल्डिंग टैक्स व्हाइल पेइंग प्रॉफिट ऑन डेट। While paying profit on debt के आगे जो लिखा है ना, considering the bank does not have permanent establishment in Pakistan, ये वाली बात कट कर दें। कह रहा है 5 लाख रुपए का आपने profit on debt pay किया एक working capital loan पे किसी foreign bank को, company ने इस profit on debt की payment पे tax deduct नहीं किया है, क्या करेंगे सर इस expense का, allow हो जाएगा या नहीं? सर ये business expense है, पहले तो ये कि क्या ये बिजनेस एक्सपेंस है भी या नहीं। यस सर बिल्कुल ये बिजनेस एक्सपेंस है, क्योंकि मैंने कंपनी के वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए किसी फॉरेन बैंक से लोन लिया है। अब मैं इस फॉरेन बैंक से जो मैंने लोन लिया है इसमें मैं 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, और इस इंटरेस्ट की पेमेंट पे मैंने टैक्स डिडक्ट नहीं किया, क्या करना चाहिए इसमें? सर हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन कवर किया, सेक्शन 21, दैट इज डिडक्शन नॉट अलाउड। सेक्शन 21 में आपने ये बात देखी थी, इसका क्लॉज 3 था मेरे ख्याल में, कि अगर आप किसी एक्सपेंस की पेमेंट करते हो और इस एक्सपेंस की पेमेंट के वक्त आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने टैक्स डिडक्ट करके एफबीआर को जमा करवाना है, और आपने अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि आपका वो जो एक्सपेंस है वो डिसअलाउ हो जाएगा। अब इस क्लॉज में मैंने मल्टीपल बातें की थी, पहले तो मैंने ये कहा था कि आपने ये देखना है कि किसी एक्सपेंस की पेमेंट पे विदहोल्डिंग करनी चाहिए या विदहोल्डिंग नहीं करनी चाहिए। सर विदहोल्डिंग की रिक्वायरमेंट अप्लीकेबल कब होगी? जब हम विदहोल्डिंग एजेंट हो और हमारी ट्रांजेक्शन ऐसी हो जो कि सब्जेक्ट टू विदहोल्डिंग अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अब इसकी पेमेंट पे या तो आप अपनी विदहोल्डिंग की जिम्मेदारी पूरी करोगे या आप अपनी विदहोल्डिंग की जिम्मेदारी पूरी नहीं करोगे। अगर तो आपने अपनी विदहोल्डिंग की जिम्मेदारी पूरी कर ली तो आपका रिलेटेड एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा, लेकिन अगर एक एक्सपेंस की पेमेंट पे आपने विदहोल्डिंग नहीं की फिर अगेन दो बातें होंगी, या तो कमिश्नर, सबको पता ही है कहां से रिवाइज करवाया जा रहा है, या तो कमिश्नर वो विदहोल्डिंग टैक्स हमसे जबरदस्ती रिकवर कर सकता है या कमिश्नर कुछ भी नहीं करेगा। अगर तो कमिश्नर वो विदहोल्डिंग टैक्स हमसे जबरदस्ती रिकवर कर लेता है तो सर हमारा रिलेटेड एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा, लेकिन अगर हमने विदहोल्डिंग की जिम्मेदारी पूरी नहीं की और कमिश्नर ने हमारा टैक्स भी विदहोल्ड नहीं किया, सर अब हमारा रिलेटेड एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। और नॉन विदहोल्डिंग की वजह से जो हमारे एक्सपेंस की डिसअलाउंस थी इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, इसके ऊपर एक कैपिंग थी मैक्सिमम 20%, यानी कि अगर मैंने परचेज ऑफ फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल की पेमेंट में विदहोल्डिंग नहीं की तो हमारा जो मैक्सिमम एक्सपेंस डिसअलाउ होगा वो होगा लोअर ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस विदाउट विदहोल्डिंग और 20% ऑफ टोटल परचेजेस। तो यहाँ पे हमने 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करा है और इस इंटरेस्ट की पेमेंट पे विदहोल्डिंग नहीं की है,
क्या करना चाहिए? लिखिए अपने पास। वैसे तो ये जो पॉइंट है आप लोगों के कोर्स के पर्सपेक्टिव से इररिलेवेंट है, रीजन बीइंग कि आपके करंट कोर्स के हिसाब से कंपनी की टैक्सेशन आप लोगों के स्कोप में नहीं है। ये सीए फाइनल का एक एजेंडा है और प्रॉफिट ऑन डेट की पेमेंट के ऊपर जो विदहोल्डिंग का सेक्शन है सर, करंट कोर्स में विदहोल्डिंग के कोई भी प्रोविजन आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, लेकिन इसका थोड़ा बहुत सोल्यूशन हम ड्राफ्ट करके समझ सकते हैं। सिंस द कंपनी हैज नॉट Since the company has not deducted withholding tax, while making payment of profit on debt, comma. deduction against such profit on debt shall not be allowed. Since company has not deducted withholding tax while making payment of profit on debt, comma, deduction for such profit on debt shall not be allowed. चूंकि हमने इस profit on debt की payment के against withholding नहीं की है, इस वजह से अब हमें ये प्रॉफिट ऑन डेट की एक्सपेंस की डिडक्शन अलाउ नहीं हो रही होगी। पॉइंट नंबर टू पर आते हैं। पॉइंट नंबर टू में कहता है एक्सपेंडिचर ऑफ 4.5 लाख ऑन प्रमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट रेवेन्यू फॉर 12 इयर्स। आपने एक प्रोडक्ट की प्रमोशन पे एक्सपेंडिचर इनकर किया है और ये प्रोडक्ट आपके लिए 12 साल तक रेवेन्यू जनरेट करेगा। क्या करेंगे सर इस एक्सपेंडिचर का? अलाउ हो जाएगा? एक साथ अलाउ होगा, 12 सालों पे अलाउ होगा? किस प्रोविजन के तहत? किस प्रोविजन के तहत आप इस एक्सपेंडिचर को ये कह रहे हो कि ये अलाउ हो जाएगा और एक साथ नहीं बल्कि 12 साल पे अलाउ होगा? सर अपने पास जरा इनकम फ्रॉम बिजनेस की प्रेजेंटेशन का जो पार्ट टू है उसमें इंटेंजिबल वाला सेक्शन ओपन करें और इंटेंजिबल की डेफिनेशन का सेकंड पॉइंट रीड करें। हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस की प्रेजेंटेशन का जो पार्ट टू है उसमें अगर हम इंटेंजिबल के सेक्शन पर आए और इंटेंजिबल के सेक्शन में हमारे पास जो इंटेंजिबल की डेफिनेशन आ रही है, इंटेंजिबल मीन्स पहला बुलेट, दूसरा बुलेट, तीसरा बुलेट, इसका दूसरा बुलेट देखो जरा, एनी एक्सपेंडिचर दैट प्रोवाइड्स बेनिफिट फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। तो ये एक ऐसा प्रमोशन पे आपने खर्चा किया जो अगले 12 महीनों तक आपको एक इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करके देगा, अगले 12 साल तक हमारे लिए बेनिफिट जनरेट करके देगा। तो सर ये खर्चा हमारे लिए टैक्स पर्सपेक्टिव से एक इंटेंजिबल एसेट बन जाएगा और हम इसे सेक्शन 23 के प्रोविजन के हिसाब से सेक्शन 24 के प्रोविजन के हिसाब से अमोर्टाइज कर रहे होंगे। ये नहीं लिखना कि अलाउ हो जाएगा और 12 सालों में अलाउ हो जाएगा, हमें प्रॉपर लीगल रीजनिंग देनी है कि भाई ये जो खर्चा मैं कर रहा हूँ चूंकि इसका इकोनॉमिक बेनिफिट एक साल से ज्यादा का है और ये डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, डेप्रिशिएबल लैंड नहीं है, अनइम्प्रूव लैंड नहीं है, ये इंटेंजिबल की डेफिनेशन में कवर होता है। तो पहले मैं इसे इंटेंजिबल के तौर पर कैपिटलाइज करूंगा और फिर मैं इसे यूजफुल लाइफ 12 साल पे अमोर्टाइज कर रहा हूंगा। जी उस्मान सर, ये इंटेंजिबल बन कैसे गया? सर अगर मैं प्रमोशन पे खर्चा कर रहा हूँ, अपनी ब्रांडिंग पे खर्चा कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन पे खर्चा किया इस बेनिफिट को देखा या छुआ नहीं जा सकता, ये तो एक्सपेंस है। सर एक्सपेंस हम वहां रिकॉर्ड करते हैं जब कोई एक्सपेंस आपने किया और इसका बेनिफिट विद इन अ ईयर ही कंज्यूम हो जाए, लेकिन अगर कोई एक्सपेंस में ऐसा कर रहा हूँ जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट मोर देन 1 ईयर पे मिलना है तो फिर हम इसे एज अ इंटेंजिबल टैक्स में अकाउंट फॉर कर रहे होंगे। लेकिन सर अपने पास मैं डिक्टेट करवाता हूं, एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट
which is expected to generate revenue, which is expected to generate revenue for 12 years, which is expected to generate revenue for 12 years. Bracket में लिखिएगा, bracket में लिखिएगा more than one year. Expenditure on promotion of product which is expected to generate revenue for 12 years, bracket में हमने लिखा more than one year, is covered within the definition of intangible, is covered within the definition of intangible, and amortization deduction there against is covered within the definition of intangible and amortization deduction there against would be allowed, and amortization deduction there against would be allowed over its useful life, over its useful life of 12 years, over its useful life of 12 years, and amortization there against would be allowed over its useful life of 12 years. क्या ये समझ आ रहा है सबको? पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं. कोई फर्क नहीं, नहीं कोई फर्क. वो तो पहला वाला पॉइंट ये था कि अगर आप किसी प्रॉफिट की बेसिस पे कोई टैक्स पे करते हो तो वो एक्सपेंस के तौर पे अलाउ नहीं होता. अगर यहाँ पे ये कहता है कि ये मुझे 12 सालों तक प्रॉफिट जनरेट करके देगा तो इट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस. पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं. पॉइंट नंबर 3 में कहता है बैड डेट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टाफ लोन ऑफ 25,000. सर ये अलाउ नहीं होगा. क्यों अलाउ नहीं होगा? क्योंकि स्टाफ लोन आज से पहले चार्जेबल टू टैक्स नहीं हुआ होगा. लिखे अपने पास bad debt in respect of staff loan, bad debt in respect of staff loan, bad debt in respect of staff loan would not be allowed, would not be allowed as the debt, as the debt was not previously chargeable to tax, as the debt was not previously chargeable to tax, as the debt was not previously chargeable to tax under the head income from business, as the debt would not be as the debt was not previously chargeable to tax under the head income from business. कोई चीज ना समझ आए तो मुझसे पूछिएगा. जी कावेश, क्या पूछा? बोले क्या कह रहे हैं? जब आपने अपने एम्प्लॉई को स्टाफ लोन दिया होगा तो आपने एंट्री क्या बनाई होगी? लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट. तो जब आपने अपने एम्प्लॉय को लोन दिया उस वक्त अपनी इनकम में कोई अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स ही नहीं करवाया, तो आज जब इस एम्प्लॉय के लोन का बैड डेट हो रहा है तो इसके अगेंस्ट आपको कोई डिडक्शन भी अलाउ नहीं होगी. क्योंकि आपके सेक्शन 29 के तहत बैड डेट की डिडक्शन क्लेम करने के लिए 3 कंडीशंस थी. नंबर 1, द अमाउंट ऑफ डेट वॉज एक्चुअली रिटन ऑफ इन द बुक्स ऑफ द कंपनी पर्सन. नंबर 2, the amount of debt is irrecoverable, and number 3 mein do baatein thi, the amount of debt was either previously chargeable to tax under the income from business, or the amount of debt was in respect of money lent by financial institution to drive income from business. To ye financial institution to nahi hai, to is sawal ki pehli line mein likh diya isne ki manufacturing aur import aur sale mein involved hai, aur kyunki staff loan ka amount ek aisa amount hai jo previously chargeable to tax nahi hua hoga, to aaj iska bad debt deduction aapko allow नहीं होगा. समझ आता है ना?
पॉइंट नंबर फोर, रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस ऑफ ₹3 lakh टू सीएल बाय पेरेंट कंपनी. दिस अमाउंट वॉज इनकर्ड बाय सीएल इन 2001 ऑन मार्केटिंग अ न्यू प्रोडक्ट इंपोर्टेड फ्रॉम दुबई. कहता है हमने मार्केटिंग पे ₹3 lakh का खर्चा किया था 2001 में एक नई प्रोडक्ट के हवाले से. हमारी पेरेंट कंपनी ने ये खर्चा हमें रिइंबर्स कर दिया. रिइंबर्स का मतलब समझते हैं हम, रिपे कर दिया. क्या करेंगे इसका? सर ये तो आपका एक्सपेंस ही नहीं है, ये तो उल्टा आपको पैसे मिल रहे हैं, तो यहाँ एक्सपेंस की तो बात ही नहीं होगी. अच्छा ₹3 lakh जो मुझे पेरेंट कंपनी से मिल रहे हैं इसका कुछ करेंगे? सर आप लोगों के साथ इनकम फ्रॉम बिजनेस की अमाउंट चार्जेबल का एक सेशन कवर किया गया है, दैट वाज सेक्शन 18. सेक्शन 18 के बाद हमारे पास कुछ 5-6 इनकम ऐसी थी जिसके बारे में मैंने ये बताया था कि ये 5-6 इनकम मैंने लॉ के डिफरेंट सेक्शन से एक जगह कंपाइल की है. इन इनकम्स को आपने इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स करवाना है. अगर आप अपने पास वो स्लाइड ओपन करें अमाउंट चार्जेबल अंडर दी इनकम फ्रॉम बिजनेस की स्लाइड 2, इसमें हमारे पास पॉइंट नंबर डी आ रहा है, इक्विपमेंट एक्सपेंडिचर दैट इज सब्सिक्वेंट रिकवरी इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर और लॉस फॉर व्हिच डिडक्शन हैज बीन क्लेम्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस. याद है ये बात हमें? जरा लिखे अपने पास रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस टू सीएल बाय द पेरेंट कंपनी टू सीएल बाय द पेरेंट कंपनी रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस टू सीएल बाय द पेरेंट कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सीएल हैड ऑलरेडी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच CL had already claimed deduction in respect of which CL had already claimed deduction under the head income from business. क्या लिखा हमने? Reimbursement of expense to CL by parent company in respect of which CL has already claimed deduction under the head income from business, comma would now be chargeable to tax under the head income from business. सर पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं. पॉइंट नंबर 5 में कहता है इनिशियल अलाउंस ऑफ ₹4 million ऑन अ यूज्ड इक्विपमेंट एक्वायर्ड लोकली फ्रॉम एमएसडी लिमिटेड. इनिशियल अलाउंस ऑफ ₹4 million ऑन अ यूज्ड इक्विपमेंट एक्वायर्ड लोकली फ्रॉम एमएसडी लिमिटेड. क्या करेंगे? सर चूंकि ये लोकली यूज्ड इक्विपमेंट के अगेंस्ट आप क्लेम करने की बात कर रहे हो और इनिशियल अलाउंस आपको मिलता है एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट में वो प्लांट एंड मशीनरी कवर्ड है जो पाकिस्तान में फॉर द फर्स्ट टाइम इस्तेमाल हुई हो. चूंकि ये पाकिस्तान में पहले भी इस्तेमाल हो चुकी है तो इट इज नॉट एन एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट. इसके अगेंस्ट आपको इनिशियल अलाउंस अलाउ नहीं होगा. लेकिन अपने पास Use equipment acquired locally is not covered within the definition of use equipment acquired locally. Use equipment acquired locally is not covered within the definition of eligible depreciable asset. Is not covered within the definition of eligible depreciable asset and would not be entitled
एंड वुड नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर द क्लेम ऑफ इनिशियल अलाउंस, फॉर द क्लेम ऑफ इनिशियल अलाउंस, फॉर द क्लेम ऑफ इनिशियल अलाउंस। पॉइंट नंबर सिक्स पे आते हैं। पॉइंट नंबर सिक्स में कहता है फाइनेंशियल चार्जेस अमाउंटिंग टू रुपीज 1 लाख एंड डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू रुपीज 3 लाख ऑन अ व्हीकल एक्वायर्ड ऑन फाइनेंस लीज फ्रॉम राधेश लिमिटेड, राधेश लीजिंग, लीज रेंटल पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट टू रुपीज 4 लाख। क्या लिखेंगे इसमें? सर टैक्स में तो फाइनेंस लीज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, टैक्स में तो फाइनेंस लीज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो टैक्स वाला इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन लेसी को अलाउ नहीं करता, बल्कि लेसी जो एक्चुअल में रेंटल पे कर रहा होता, जो एक्चुअल में रेंटल पे कर रहा होता सर, उस रेंटल एक्सपेंस की डिडक्शन अलाउ हो जाती है। तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन फाइनेंस लीज, इंटरेस्ट ऑन फाइनेंस लीज एंड डेप्रिसिएशन ऑन लीज एसेट, इंटरेस्ट ऑन फाइनेंस लीज एंड डेप्रिसिएशन ऑन लीज एसेट आर नॉट अलाउड टू सीएल, आर नॉट अलाउड टू सीएल being lessee, being being, being lessee. However, CL is allowed to claim, however, CL is allowed to claim deduction on account of, however, CL is allowed to claim deduction on account of lease rental paid during the year. Lease rental paid during the year. However, CL is entitled to claim deduction on account of lease rental paid during the year. क्या ये सारी बातें समझ आती हैं बच्चे से? अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स। अच्छा जो जो सवाल मैं रीड नहीं कर रहा हूं, ये वो सवाल है जिनके लेक्चर्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं। इन टोटल ये 1.5 घंटे काइंडली इनको जरूर देख लीजिएगा। मैंने क्लास में इसलिए कवर नहीं करवाया क्योंकि थियोरिटिकल सेक्शन है, ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस बात इनमें समझने की है नहीं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ऑटम 2012 की अटेम्प्ट का सवाल है, 11 मार्क्स की वेटेज है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस स्टेट द मीनिंग ऑफ इंटेंजिबल, डिस्कस द रूल्स रिलेटिंग टू क्लेमिंग ऑफ अमोर्टाइजेशन डिडक्शन ऑन इंटेंजिबल। सर इंटेंजिबल का जो हमने सेक्शन 24 पढ़ा है वो पूरा सेक्शन 24 यहाँ कॉपी पेस्ट करना है। इंटेंजिबल की डेफिनेशन लिखी है, 4 मार्क्स की वेटेज है और बाकी इसके प्रोविजन वगैरह लिखना है। 8-10 प्रोविजन लिख दीजिएगा, मेरे ख्याल में 7 मार्क के लिए इनफ होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 7, स्प्रिंग 2016 की अटेम्प्ट का सवाल है, 7 मार्क की वेटेज है। कहता है सवाल, अग्रम इज रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन द नेम एंड स्टाइल ऑफ आजाद एडवर्टाइजिंग for introducing his business to loan to both local and international clients. He has allocated considerable chunk of his marketing budget to entertainment expenditures. Under the provision of Income Tax Ordinance 2001 and rules made thereunder, advise Akram about the prescribed limit/condition for the deduction of entertainment expenditure. क्या लिखेंगे यहाँ पे? सर हमने सेक्शन 21 में entertainment expenditure अगर लिमिट से ज्यादा, औकात से ज्यादा से पर्टेनिंग एक रूल कवर किया है।
कि ये खर्चे हैं जो कि लिमिट है, जो कि कंडीशंस है, अगर आप इन खर्चों को करेंगे एंटरटेनमेंट के नाम पे तो ही डिडक्शन अलाउ होगी, अदरवाइज एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर की डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। मेरे ख्याल में रूल 10 था, वो रूल आपने एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 में सिर्फ रीड कर रहा हूं, आप लोग खुद सॉल्व करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 8 ऑटम 2017 की अटेम्प्ट का 5 मार्क्स की वेटेज रखता है। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंप्यूट टैक्सेबल इनकम और लॉस अंडर द करंट रेट ऑफ इनकम फॉर द ईयर 2017 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सर्वर एंटरप्राइज सोल्ड एन इमोबाइल प्रॉपर्टी फॉर ₹50 मिलियन, द कॉस्ट ऑफ इमोबाइल प्रॉपर्टी फॉर ₹30 मिलियन, टैक्स डेप्रिसिएशन ऑफ ₹6 मिलियन हैज बीन अलाउड ऑन द इमोबाइल प्रॉपर्टी अप टू टैक्स ईयर 2016। एक इमोबाइल प्रॉपर्टी जो कि आपने 30 मिलियन की खरीदी, टैक्स ईयर 2016 तक इस पे 6 मिलियन का मोटा डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, 2017 में आपने इसको 50 मिलियन का बेच दिया। सर हमने पहले तो क्या करना है कि इस इमोबाइल प्रॉपर्टी पे 2017 का 50% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, फिर चूंकि हमने इस इमोबाइल प्रॉपर्टी को बेचा है एट अ कंसिडरेशन मोर देन इट्स कॉस्ट, तो इस केस में जब हम गेन लॉस कंप्यूट करेंगे तो हम एक्चुअल कॉस्ट को इग्नोर करके उसकी जगह कंसिडरेशन रिसीव प्लॉट कर देंगे। और इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा? सर इससे कंक्लूजन ये निकलेगा कि जो आपका गेन का अमाउंट बनेगा वो उतना ही बनेगा जितना डेप्रिसिएशन आपको प्रीवियसली अलाउ हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, शम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड सोल्ड एंड एक्सपोर्टेड वन ऑफ इट्स प्लांट टू नाइजीरियन कंपनी, द सेल प्रोसीड रिसीव्ड इन द कंपनीज अकाउंट्स अमाउंट टू ₹25 मिलियन, द कॉस्ट एंड टैक्स डब्ल्यूटीपी ऑफ द प्लांट वाज ₹20 मिलियन एंड ₹7 मिलियन रिस्पेक्टिवली। सर अगेन ये भी एक आसान सा प्रोविजन है कि अगर कोई डेप्रिशिएबल एसेट जो कि बिजनेस के लिए इस्तेमाल हुआ उसके बाद पाकिस्तान के बाहर ट्रांसफर या एक्सपोर्ट हो जाए तो हम एक्चुअल कंसिडरेशन को इग्नोर कर देते हैं और ये अज्यूम कर दें कि हमने इस एसेट को डिस्पोज ऑफ किया एट अ कंसिडरेशन इक्वल टू इट्स कॉस्ट। जरा जल्दी से 5 मिनट में दोनों पार्ट खुद ही सॉल्व कर लेते हैं इसके। रिकॉर्डिंग ऑन ही है, सर क्वेश्चन नंबर 10 पर आए, क्वेश्चन नंबर 8 हुआ नहीं अभी तक, क्वेश्चन नंबर 10 पर आए सर। उसने कुछ बताया नहीं ना तो मैं समझ लूंगा कि डिस्पोजल के वक्त डब्ल्यू डी बी है तो भी कोई मसला। क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ सर। क्वेश्चन नंबर 10 स्प्रिंग 2018 की अटेम्प्ट का सवाल है, 5 मार्क्स की वेटेज है। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंप्यूट टैक्सेबल इनकम और लॉस अंडर द करेक्ट हेड ऑफ इनकम फॉर द टैक्स ईयर 2008 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। शऊर इज द सोल प्रोप्राइटर ऑफ शऊर एंटरप्राइज ऑन 31 जनवरी 2061, टैक्स ईयर कौन सा होगा? 2061 ही होगा। ऑन 31 जनवरी 2061 एसी सोल्ड अ फैक्ट्री बिल्डिंग इंक्लूडिंग लैंड फॉर 10 मिलियन एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग वर 3 और 5 मिलियन रिस्पेक्टिवली। क्या एक बंदा है शऊर, इसने एक फैक्ट्री बिल्डिंग विद लैंड सेल की है 10 मिलियन की टोटल और लैंड की फेयर मार्केट वैल्यू है 3 मिलियन और बिल्डिंग की फेयर मार्केट वैल्यू है 5 मिलियन। द बिल्डिंग एंड लैंड वर द लैंड एंड बिल्डिंग वर एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 2006 एट अ कॉस्ट ऑफ 2 मिलियन एंड 6 मिलियन रिस्पेक्टिवली। The tax WDV of the building on 1st July 2007 was ₹5.4 million. कह रहा है हमने 1st July 2006 पे खरीदी थी लैंड 2 मिलियन की, बिल्डिंग 6 मिलियन की और लैंड इन्होंने 2007 तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया हुआ है 5.4 मिलियन WDV आ रही है और टैक्स ईयर 2008 की 31 तारीख को आपने ये लैंड और बिल्डिंग बेच दी है। अब यहाँ पे 2-3 प्रोविजन अप्लाई होंगे। एक तो ये कि आपने एसेट के चैप्टर में कंसिडरेशन रिसीव के चैप्टर में मेरे साथ कवर किया था कि अगर हम एक लमसम डील में ग्रुप ऑफ एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करें तो इंडिविजुअल एसेट्स की कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं।
सर अपनी टोटल कंसिडरेशन को इंडिविजुअल एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल के रेशियो में अपोर्शन कर देंगे। लैंड के डिस्पोजल पे जो गेन आएगा वो हमारा कैपिटल गेन में जाएगा क्योंकि लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता, लेकिन बिल्डिंग के डिस्पोजल पे जो गेन आएगा वो हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा। फिर आपने ये भी देखना है कि बिल्डिंग की कंसिडरेशन अगर बिल्डिंग की कॉस्ट से ज्यादा है तो फिर मैं गेन और लॉस की कंप्यूटेशन में कॉस्ट की जगह कंसिडरेशन को रिप्लेस कर दूंगा। समझ आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं? इतनी सारी बात है, करें जरा सॉल्व कुछ से। देखें, लैंड की कॉस्ट आपके पास अवेलेबल है 2 मिलियन, सिंपल। लैंड की डब्ल्यूडीवी अवेलेबल है तो इस साल का पहले तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके रिवाइज डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट कर लोगे। फिर तुमने दोनों चीजें बेची हैं 10 मिलियन की, लैंड और बिल्डिंग की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 3 और 5। तो मैं 10 मिलियन को 3 और 5 के रेशियो में ब्रेक कर दूंगा तो दोनों की कंसिडरेशन अलग अलग हो जाएगी। लैंड का जो भी गेन आएगा वो कैपिटल गेन में चला जाएगा, और लैंड का गेन कैपिटल गेन में जाएगा तो वहां पे एक और बात भी थी कि जैसे जैसे होल्डिंग पीरियड बढ़ता रहता है हमारा गेन प्रोपोर्शनेटली कम होता रहता है, याद है मैं? और बिल्डिंग का जो गेन है वो एग्जैक्टली वही अमाउंट आएगा जितना डेप्रिसिएशन आपको प्रीवियसली अलाउ हुआ है। करें सर सॉल्व करें इस सवाल को। यहां देखिए सर, मैं सॉल्व करवा देता हूं इस सवाल को। हमारे पास स्प्रिंग 2018 की अटेम्प्ट के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है। और हमारे पास शोर इंटरप्राइज के नाम से बंदा है। सर सबसे पहले अगर हम कैपिटल गेन के हेड में वर्किंग करें तो हमारे पास कैपिटल गेन के हेड में डिस्पोजल ऑफ लैंड टैक्सेबल होगा। सर हमारे पास कंसिडरेशन कितनी बनेगी? सर हमने लैंड और बिल्डिंग को बेचा है एट अ लमसम प्राइस ऑफ 10 मिलियन, लैंड की फेयर वैल्यू है 3 मिलियन, बिल्डिंग की फेयर वैल्यू है 5 मिलियन, तो मैं 10 मिलियन को अपोर्शन करूंगा 3 और 5 के रेशियो में इस तरीके से 3.75 लेस कॉस्ट। लैंड जो हमने परचेज की थी वो हमने 2 मिलियन की परचेज की थी, तो हमारे पास जो गेन आया दैट इज 1.75 मिलियन। फिर हमारे पास जो होल्डिंग पीरियड है यहाँ पे, सर होल्डिंग पीरियड के बारे में इन्होंने हमें इनडायरेक्टली कहा कि हमने लैंड खरीदी थी 1 जुलाई 2016 पे और हमने इसको बेचा है 31 जनवरी 2016, तो 1 जुलाई 2016 से 1 जुलाई 2017 एक साल और 1 जुलाई 2008 पे 2 साल बनते, तो इसका मतलब है इसका होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर बट लेस देन और इक्वल टू 2 ईयर है, तो कितना गेन टैक्सेबल होगा? 75। सर ये आ गया हमारे पास कैपिटल गेन, और ये जो कैपिटल गेन हमारे पास वर्कआउट हुआ है सर ये भी एक सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, इसमें नॉर्मल टैक्स रेट अप्लाई नहीं होता, इसके लिए टैक्सेशन के लिए लॉमेकर ने अलग रेट दिए हुए। उसके बाद हमारे पास जो बिल्डिंग के डिस्पोजल पे आने वाला गेन और लॉस है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा। सर पहले तो आपको इस बिल्डिंग के अगेंस्ट डेप्रिसिएशन अलाउ होगा, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन कितना बनेगा? सर हमारे साल के शुरू में इसकी डब्ल्यूडीवी कितनी है? 5.4 मिलियन, तो हमारे साल में 10% और चूंकि डिस्पोजल हो गए तो इसका भी 50% 0.275। अब इस पे कैलकुलेट करते हैं गेन ऑन डिस्पोजल। सर ये कैसे कैलकुलेट होगा? सबसे पहले कंसिडरेशन दैट इज 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 5 upon 3 plus 5 6.25। अब चूंकि ये कंसिडरेशन है 6.25 और बिल्डिंग को खरीदा कितने का किया था? 6 मिलियन का, तो चूंकि कंसिडरेशन कॉस्ट से ज्यादा है तो लेस टैक्स डब्ल्यूडीबी। सर टैक्स डब्ल्यूडीबी के लिए हम एक्चुअल कॉस्ट को इग्नोर करके कंसिडरेशन माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? सर साल के शुरू में इसकी डब्ल्यूडीबी है 5.4, यानी कि साल के शुरू में इस पे 0.6 का डेप्रिसिएशन क्लेम हो चुका है
और हमारे साल में 0.27 का फर्दर क्लेम हो रहा है, तो ये इसका accumulated depreciation आ जाएगा, consideration minus accumulated depreciation हमारे पास WDV आ जाएगी 5.38। तो हमारे पास जो गेन का नंबर बन रहा है 0.87 की वही बन रहा है जितना डेप्रिसिएशन इसमें अलाउ हुआ है। क्या ये समझ आता है? देखो इन्होंने आपको बताया था कि लैंड खरीदी कितने की गई है, 6 मिलियन की। साल के शुरू में इसकी डब्ल्यूडीवी कितनी है 5.4, यानी कि साल के शुरू तक 0.6 का एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा 6 माइनस 5.4, सही है। और हमारे साल में 0.27 का डेप्रिसिएशन फर्दर क्लेम किया, तो इसका एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया होगा 0.87, कंसीडरेशन माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो डब्ल्यूडीवी आ गई और गेन ऑन डिस्पोजल आ गया। जल्दी से कॉपी कर ले इसे, तो अगले सवाल पे आता हूं। सर क्वेश्चन नंबर 12 पर आए। क्वेश्चन नंबर 12 ऑटम 2018 की अटेम्प्ट का सवाल है, 11 मार्क्स की वेटेज है। इस सवाल के कोई 3-4 पार्ट्स हैं। पार्ट बी में कहता है The accounting profit before tax of Bashir Associate for the year ended 30 June 2061 is 12 lakh. एक Bashir Associate का हमें profit before tax का नंबर दिया है 12 lakh. Last year, Bashir Associate had written off balance outstanding from two of its debtor, namely Pulse Enterprise and Hussain Global, which were partly allowed by the tax authorities. Detail are as follow. पिछले साल हमने Pulse Enterprise और Hussain Global के नाम पर 11,50,000 और 9,50,000 रुपए का राइट ऑफ क्लेम किया, लेकिन टैक्स वालों ने 11,50,000 में से सिर्फ 8,25 अलाउ किया, 9,25 में से सिर्फ 2,40,000 अलाउ किया। ड्यूरिंग द करंट ईयर Bashir Associate रिसीव 6,52,000 फ्रॉम Pulse International एंड 346,000 फ्रॉम Hussain Global इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर डेट। करंट ईयर में हमें इन दोनों डेटर्स के अगेंस्ट कुछ ना कुछ रिकवरी हुई है। In the light of the income tax ordinance, compute BA taxable income for the tax year 2008. जरा सॉल्व करते हैं। ये सोच के सॉल्व कीजिएगा कि अकाउंट्स में क्या हो गया है उसको अंडू करना है, क्योंकि पीपीटी का नंबर दिया हुआ है ना, तो अकाउंट्स में पहले से भी तो कुछ रिकॉर्डेड होगा, उसको आपने अंडू करना है। और टैक्स वालों के लिए क्या करना चाहिए वो चीज हम अकॉर्डिंगली एडलेस कर लेंगे। जरा सॉल्व करने की कोशिश करें इसे। यहाँ देखें सर, मैं सॉल्व करवा देता हूँ। हमारे पास ऑटम 2018 की अटेम्प्ट के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी ऑफ ऑटम 2018, और इसमें हमारे पास कंपनी है Bashir Associate के नाम से। इसकी हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस कंप्यूट करनी है। सर इस सवाल को सॉल्व करने से पहले देखें, प्रैक्टिकली जब हम अकाउंट्स में किसी ट्रेड रिसीवेबल के अगेंस्ट किसी डेटर के अगेंस्ट प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं तो हम एंट्री क्या बनाते हैं? सर बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रेडिट। जब हम किसी रिसीवेबल के अगेंस्ट हमें डाउट हो जाता है कि ये पैसे हम रिकवर नहीं कर सकेंगे, ये पैसे इररिवोकेबल हो गए, तो हम उसके अगेंस्ट प्रोविजन फॉर बैड डेट बना रहे होते हैं। और जब हमारा ये डाउट यकीन में तब्दील हो जाए कि भाई हम कंफर्म्ड है कि हमें इससे पैसे नहीं मिलने वाले, तब हम अपने रिसीवेबल को राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ की एंट्री क्या बनती है? प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। और अगर आगे जाकर इस रिसीवेबल जिसको हमने राइट ऑफ कर दिया इसके अगेंस्ट रिकवरी हो जाए तो फिर एंट्री क्या बनती है? सर कैश डेबिट रिवर्सल ऑफ बैड डेट एक्सपेंस यानी कि इनकम क्रेडिट। ये एंट्री समझ आती है हमें? सबको एंट्री समझ आती है हमें? अब इन्होंने सवाल में क्या कहा है कि आपने पिछले साल दो डेटर से बर्डे ने 11,50,000 और 9,25,000 राइट ऑफ कर दिए, यानी कि आपने अपने अकाउंट्स में ये एंट्री बना दी होगी पिछले साल में। करंट ईयर में आपको इन दोनों डेटर से 6,52,000 और 346 रिकवर हो गया,
तो यानी कि 652,000 रुपए और 346 जब करंट ईयर में रिकवर हुआ होगा तो करंट ईयर में कंपनी ने ये एंट्री बनाई होगी, यानी अकाउंट्स में रिवर्सल ऑफ बैड डेट का इनकम आ रही है हमारे पास, तो पहले तो आप उसे अंडू कर दें। सर हमारे पास सवाल में प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है 12 लाख, मैं लेस कर देता हूं जो कि अकाउंट्स में गेन या अकाउंट्स में इनकम ऑन अकाउंट ऑफ रिवर्सल ऑफ बैड डेट रिकॉर्डेड है। कितना रिकॉर्डेड है सर करंट ईयर में हमें 652 और 346 रिकवर हुआ है, 652 और 346 रिवर्स हुआ है, रिकवर हुआ है, तो कंपनी ने ये एंट्रीज बनाई होंगी, ये एंट्रीज बनाई होंगी, तो इन दोनों की इनकम इस पीपीटी में शामिल होंगी। तो पहले तो मैं अकाउंटिंग का इंपैक्ट अंडू करने के लिए उसे लेस कर देता हूं। कितना रही है 998। अब टैक्स में क्या होगा कि सर ये हम टैक्स इंप्लीकेशन देख रहे हैं कि जो हमारा पहला वाला डेटर है दैट इज पल्स एंटरप्राइज, इससे हमें रिकवरी हुई है 652,000 की। इसका जो बैड डेट था सर, इसका बैड डेट कितना था सर, इसका बैड डेट था 11,50,000 रुपए, लेकिन टैक्स वालों ने अलाउ कितना किया था 8,25,000 रुपए। 11,50,000 में से टैक्स वालों ने 8,25 अलाउ करवाया था, यानी कितना डिसअलाउ करवाया था, इन दोनों का डिफरेंशियल 3,25,000, यानी कि टैक्स वाले ये समझ रहे थे कि 3,25,000 रिकवर हो जाएंगे। आगे जाकर रिकवरी ज्यादा हो रही है, तो जो एक्सेस रिकवरी हो रही है ये आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में चार्जेबल टैक्स हो जाएगी 320। क्या ये समझ आ रहा है सबको? अच्छा, जो दूसरा हमारा कस्टमर है दैट इज हुसैन ग्लोबल, इससे हमें रिकवरी हुई है 346 की। सर इसका डेट कितना था? सर इसका डेट था 9,25,000 रुपए, टैक्स वालों ने अलाउ कितना करवाया था? टैक्स वालों ने अलाउ करवाया था 240। 9,25 में से टैक्स वालों ने अलाउ करवाया था 240, तो डिसअलाउ कितना करवाया था 6,55,000, 6,85,000। टैक्स वालों ने 6,85,000 अलाउ नहीं करवाया था ये सोच करके इतने रिकवर हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअल रिकवरी कम हो रही है, तो जितनी अंडर रिकवरी हो रही है, जितना शॉर्टफॉल आ रहा है, ये हमें अब एक्सपेंस के तौर पे अलाउ हो जाएगा 339। तो ये हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गई। क्या ये समझ आ रहा है सबको? कितना आ रही है? सही बन रहा है? सही है। करीना उस्मान चेक, सही है। कॉपी करें इसे तो अगले सवाल पे आते हैं। जी सर अपने पास क्वेश्चन नंबर 15 पर आए। क्वेश्चन नंबर 15 ऑटम 2019 के अटेम्प्ट का सवाल है, 6 मार्क्स की वेटेज है। कहता है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2009 सलमान शाहिद सोल्ड दी फॉलोइंग एसेट्स। मिल गया हमें? ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2009 सलमान शाहिद सोल्ड दी फॉलोइंग एसेट्स, अ व्हीकल यूज्ड बाय मैनेजर इन चार्ज ऑफ हिज गारमेंट फैक्ट्री फॉर ₹2.8 मिलियन, द व्हीकल वॉज परचेज फॉर ₹3.1 मिलियन इन टैक्स ईयर 2006। कह रहे हैं हमारे मैनेजर इंचार्ज के लिए हमारे पास एक व्हीकल थी जो हमने 3.1 मिलियन की खरीदी थी टैक्स ईयर 2006 में, इसे टैक्स ईयर 2009 में 2.8 मिलियन का बेच दिया गया। पॉइंट नंबर टू, अ मशीन फॉर 3.5 लाख ऑन 1 जून 2009 विच सलमान शाहिद हैड इंपोर्टेड फ्रॉम मलेशिया फॉर ₹1.9 मिलियन ऑन 1 मई 2009 टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। The machine was badly damaged during the shipment from Malaysia, rendering it unfit for use. He received insurance claim of 18,40,000 as damages on 15 May 2009. Charges incurred in respect in connection with the submission of claim with the insurance company are 38,000. कह रहे हैं 3.5 लाख रुपए की मशीन हम सॉरी एक मशीन जो हमने 19 लाख रुपए की इंपोर्ट करवाई थी 1 मई 2009 पे एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, रास्ते में वो खराब हो गई, डैमेज हो गई, हमें इंश्योरेंस वालों ने 18,40,000 रुपए दे दिए
और इंश्योरेंस वालों से 18,40,000 निकालने में हमारे 38,000 रुपए खर्च भी हो गए। फिर जो हमारे पास मशीन जैसी भी खराब हालत में थी उसको भी हमने 3.5 लाख रुपए का बेच दिया। आपने पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, इन दोनों एसेट्स की डिस्पोजल पे गेन और लॉस को कैलकुलेट करना है। जरा सॉल्व करते हैं इस सवाल को खुद से सोच समझ कर। कितने आसान पॉइंट्स हैं नहीं जितने बजाय नजर आ रहे हैं।